नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका स्वागत है। बच्चों के लिए यह हमारा खास कार्यक्रम है। नन्हे दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के लिए अहम दिन है। यह नए साल की अच्छी शुरुआत है। भारत में दो कोरोना वैक्सीन को आज मंजूरी मिल गई है, यानी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। उस लड़ाई में, उस जंग में हमारे पास कोरोना को हराने का हथियार अब मौजूद है। 31 तारीख को 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम्स की 4 मई की तारीख की घोषणा के साथ बच्चों के लिए स्थितियां कितनी सामान्य होने वाली हैं और आज की खबर बच्चों की सोच पर भी कितना सकारात्मक असर डालेगी, इस पर बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों से। हमारे साथ शिक्षाविद अशोक कुमार पांडे जी जुड़ेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एम्स, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही बच्चे अपने बोर्ड से जुड़े सवालों को भी पूछ सकते हैं, तो आप बच्चे हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, 0112338701। तो आप हमें कॉल करें और स्कूल में बोर्ड्स की परीक्षा शुरू होने जा रही है, उसका तनाव या फिर उससे जुड़े जो भी सवाल हैं, एक लंबे समय से आप लोग घर पे हैं, अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलेंगे, आज कोरोना वैक्सीन, दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, अगर उससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो ये तमाम सवाल आप हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हम उनसे चर्चा सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर का और हमारे साथ शिक्षाविद अशोक कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप इसको आज किस तरह से इस खबर को देखते हैं, दो वैक्सीन की घोषणा हुई है पांडे जी, और अब बच्चों के लिए भी एक आज का दिन एक उत्साह का दिन है क्योंकि धीरे धीरे अब स्थितियां सामान्य होंगी। जी, ये तो बहुत ही खुशखबरी है, इसे आप इस ढंग से लें कि ये वो खबर जिसका महीनों से इंतजार मैं था। कहूं, जी किससे पूछना है? पांडे जी बोल रहे हैं। जी पांडे जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर हम डॉक्टर साहब से जानेंगे उनकी राय। जी जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि ये वही खबर है जिसकी हम लोगों को प्रतीक्षा थी और इस खबर से बेहद खुशी हुई है जनमानस में, खासतौर से विद्यार्थियों के मन में। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि अभी तक हम यही मान के चल रहे थे कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक हमको इस बीमारी से जो एक भय बना हुआ था वो दूर नहीं होगा, वो भय और दूर होगा। परीक्षाओं के संबंध में आपने कहा, विद्यार्थी घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और एक परिस्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन तिथियों की घोषणा के साथ उनके अंदर अब एक नए संचार की उत्पत्ति हुई है और मेरी तो यही इच्छा है कि सरकारें विद्यार्थियों को विद्यालयों में जाने की अनुमति दें, अभिभावक भी उसके बारे में एक नए ढंग से सोचें, विद्यार्थी और अध्यापक साथ आएं, उनकी समस्याएं दूर करें और परीक्षा की तैयारी करें पूरे उत्साह के साथ। जी प्रोफेसर सागर, आज जिस तरह से दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिली है, बच्चों में एक उत्साह है, 4 मई से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, साल भर ऑनलाइन एक तरह से उन लोगों ने पढ़ाई की है, मार्च में उनके प्रैक्टिकल्स शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों के अभी, और सबसे ज्यादा तनाव इस समय 10वीं और 12वीं के बच्चों पर ही है देखा जा रहा है क्योंकि बोर्ड्स के बाद अपने पूरे करियर को उन्हें बनाना है 12वीं के बच्चों को। ऐसे में इस खबर का एक मनोवैज्ञानिक भी एक असर होता है, स्कूल खुलने वाले हैं, जाने वाले हैं, किसी तरह का आपको शायद मन में वो भय नहीं रहेगा कोरोना को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो शुभकामनाएं सभी बच्चों का और सभी लोगों का, नववर्ष की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और ये बात बिल्कुल सही कही है कि हमें लगता है इस वर्ष 2021 में एक बहुत अच्छा वातावरण होने वाला है। एक खुशी की जो बात कही है, वैक्सीन और नॉट ओनली वैक्सीन बट जैसे एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट है वो जो पढ़ाई कर रहे थे, जिनको एक असमंजस की स्थिति थी, उन्हें पता नहीं था कि कब एग्ज़ाम होंगे, मेरा क्या होगा, मेरा किस में कैरियर में क्या चूज़ करूँगा, तो उसको लेकर ये बहुत अच्छी बात है कि वो डेट तय हो चुकी है तो अपना कैरियर वो उसके हिसाब से तय कर सकते हैं। और ये और वैक्सीन से तो बहुत खुशी की बात है और मंजूरी मिली है और उसमें जो एक भय का माहौल जो था
वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उतना कहूंगा कि अभी इसको खबर लें, और लेकिन जो एहतियात जो बरतनी है वो उसको बिल्कुल जारी रखें। जो है जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, या आप कैसे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि इसको एकदम बंद नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके निर्देश आएंगे, उसको हमें एहतियात जो है वो पूरी बरतनी है। हालांकि ये खुशी की बात है वैक्सीन को लेकर, बट अभी भी हमें पूरे एहतियात बरतने हैं, और तभी हम इसको और कामयाबी पा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, हमने देखा इस 10 महीने में वो बच्चे जो घर पे रहे, जिन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी को देखा, उम्र इतनी बड़ी है, वो लोग अपनी जो एक उनकी जो नॉर्मल एक दिनचर्या थी उससे इतर वो टहलने नहीं जा सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, और उनकी अगर तबीयत खराब होती है तो एक डर होता है। ये जो एक डर दिमाग में हमेशा, क्या बच्चे भी इस डर से जूझ रहे थे पिछले 10 महीने से, तो एक उन्हें भी किसी तरह की कोई राहत होगी जब आज वैक्सीन की मंजूरी की ये जो खबर आई है? नहीं, सही कहा। देखिए, पूरे पिछले वर्ष पूरी इस बात की चर्चा रही है 2020 में कि एक जो डर है, जो जो कोरोना के लेके पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की खबरें आती थी, और कितने लोगों को अफेक्टेड हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, और कितने क्योंकि एक प्रकार का फियर, डर, असमंजस, अनसर्टेनिटी, ये सब थी जो जो कि स्वाभाविक है इस तरह के माहौल में थी। और न कि सिर्फ ये खबरें इस तरह, बट उनके स्कूल बंद हो गए, स्कूल घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे, जो उनके दोस्त थे मिलना, जो फिजिकल जो मिलते थे, खेल कूद करते थे, वो बंद हो गया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, लेकिन मैं इतना कहूँगा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कि इसको इतना नकारात्मक ना लें। हालांकि 2020 जो है बहुत ही चैलेंजिंग था, बट ये भी सोचें कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ उसने हमें बताया है, बहुत हमें उससे शिक्षा मिली है कि हमने वक्त ज़्यादा दिया अपने परिवार में, अपने दादा दादी के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, और हमने देखा कि कम चीज़ों में भी कैसे हम अपना जीवनचर्या चला सकते हैं, और कैसे हम अपने घर में रह सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, और कैसे अपनी हॉबीज को उजागर कर सकते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि हालांकि बहुत चैलेंजिंग टाइम था, मगर इसने हमें सिखाया भी बहुत कुछ, और उम्मीद है कि जो हमने सीखा है इस दौर में उसको हम आगे लेकर जाएंगे, और इससे हमने बहुत एक सबक मिला है। हम जरूर ये कहेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये जो सबक है इसको हम आगे अपने जो तजुर्बे हैं इसको और अपने जीवन में लेकर आएंगे, कि कैसे हमें मुश्किल स्थिति से कोप करना चाहिए, लड़ना चाहिए, कैसे हमें संघर्ष करना चाहिए, कैसे अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो हम उससे विजय पा सकते हैं, कैसे। तो ये सब चीजें भी हमें सिखाई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, क्योंकि सब कुछ स्मूथ नहीं होता जीवन में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे इंसान बहुत कुछ सीखता है इन चीजों से, और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों ने, खासकर बच्चों ने भी इस स्थिति से सीखा होगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुंदन है पटना बिहार से। जी कुंदन, पूछिए आप अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, मेरा सवाल है कि मैं जोहर नवोदय विद्यालय सारण बिहार का छात्र हूँ जी। अभी मैं क्लास 10th में। मैम मेरा सवाल है कि जिस तरह से वहाँ पर पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आवासीय विद्यालय है मैम, तो उस प्रकार का तो घर पर नहीं ना मिल पाता है मैम, तो बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई में। ऑनलाइन क्लासेस से उतना समझ में नहीं आता है, तो फिर कैसे पढ़ाई करें मैम, बोर्ड भी नहीं देखे। आप कुंदन कौन सी क्लास में है? जी मैम क्लास 10th में। 10th में है जी। हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, अगर आप इनके सवाल का जवाब देना चाहें। हाँ बिल्कुल, इनका प्रश्न अगर मैं समझ सका तो ये कहते हैं, एक ये आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, शायद नवोदय विद्यालय की चर्चा की उन्होंने जी, और ये इनके कहने का यही अर्थ है कि जो विद्यालय में जाकर के बच्चों और अध्यापक एक साथ जो पढ़ाई और लिखाई का कार्यक्रम है वो ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा, और इसकी चर्चा मैंने शुरू में की, इसीलिए अब ये आवश्यक है कि बच्चों को विद्यालय में जाने का मौका मिले, और संभवतः अब इनके नवोदय विद्यालय से ये आएगी खबर कि इनको जाना है, और विद्यालय जो है पूरी तरह से तैयार है बच्चों को वेलकम करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, ये परीक्षा जो आने वाली है, जिसकी तिथि की घोषणा हुई है,
लेकिन एक बहुत बड़ी परीक्षा से तो हम गुजर रहे हैं ना ऑलरेडी, और ये इस परीक्षा में हम सफल हुए हैं और इसमें नई परिस्थितियों को कैसे उसका सामना करना है ये हमने किया है, और आगे आने वाली परिस्थितियों को भी इस बच्चे को उसी ढंग से करना पड़ेगा। और अभी 4 महीने हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, वो एक बहुत बड़ा समय होता है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना समय दिया है, अपनी मेहनत दी हुई है और जिनके अध्यापक उनके साथ लगे हुए हैं लगातार इतने दिनों से, उन्हें कोई उन्हें समस्या नहीं होगी, ऐसा मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। डॉक्टर पांडे, आज 2 टीकों की जो घोषणा, जो मंजूरी मिली है, वो भी अभिभावकों में भी एक ट्रस्ट, एक विश्वास पैदा करेगी, क्योंकि भले ही मार्च और मई में ये पेपर हो, ये दिन, ये हो सकता है समय अब से 3-4 महीने बाद है, लेकिन कोरोना का संकट जो वैश्विक और देश में जो हमने देखा, उसमें अभिभावक अभी अंदर से बड़े मजबूत नहीं थे अपने बच्चों को बाहर इन परीक्षाओं के लिए भेजने के लिए। क्या आपको लगता है आज की ये खबर, आज की ये न्यूज उनमें एक नया विश्वास पैदा करेगी? बिल्कुल, देखिये ये विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था पूरे जनमानस में, सभी व्यक्तियों में, और वो एक तरह से अब उसका ये कैटालिसिस होगी, जैसे कि अब ये और इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और 10वीं और 12वीं की खास तौर से विद्यार्थियों के अभिभावक अब बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के भी उनके मन में एक बहुत वो होता है, और मैं समझता हूं कि अब अध्यापक, अभिभावक और बच्चे, ये तीनों अब अपने एक नए विश्वास के लेवल पे आ जाएंगे, और वैक्सीन की घोषणा उस विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा और मेरा भी यही मानना है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बच्चों ने इस दौर में बहुत सी ऐसी परिस्थितियों के लिए वो तैयार हुए जो उन्होंने सोची नहीं थी। अगर हम एंजाइटी की बात करें बच्चों में, तो एग्जाम्स को लेकर जो एंजाइटी होता था, उसकी काउंसलिंग हम हर साल मार्च के आसपास करते थे, स्कूल्स करते हैं, तमाम काउंसलर्स करते हैं, CBSE के बच्चों के साथ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। क्या आपको लगता है वो सब एक्सरसाइज जो 2-3 महीने की होती थी, वो इस 10 महीने में उस तरह की एक एक्सरसाइज हुई है जिसने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया है? बिल्कुल सही, मैंने जैसे पहले कहा कि क्योंकि 2020 को हमने बहुत नेगेटिव रूप में देख रहे हैं, बट मैं इसको पॉजिटिवली इसलिए कहूंगा कि इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये बात सही है कि हमें घर में कैसे रहना है, और जो एक एंजाइटी जो एग्जाम से जस्ट पहले होती थी, वो सब वो जान गए हैं बच्चे, मुझे कैसे कोप करना है, कैसे उससे लड़ना है, कैसे संघर्ष करना है, और उनको जो सपोर्ट मिला है फैमिली से, उससे उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और मुझे उम्मीद है कि अब जो बच्चे एग्जाम देंगे वो बहुत ही एक तरह से प्रिपेयर्ड होकर देंगे, तो वो जो एंजाइटी जो होती थी वो शायद वो ना हो, और अगर होती भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए हर इंसान, हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, और अगर थोड़ी बहुत एंजाइटी भी होती है, वो जीवन का पार्ट है, उसको लेकर इतना परेशान ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब कठिन परिस्थितियां होती हैं इंसान की, तो कैसे उस है, कैसे उसे जूझता है, कैसे उसे कोप करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में बड़ा सब चीजें स्मूथ नहीं होती हैं, तो कैसे हम उस मुश्किल वक्त को, कैसे हमने उससे बाहर निकले हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त में उन्होंने इस चीज, जो हार्डशिप है, जो चैलेंजिंग टाइम है, उससे वो लड़े हैं, तो वो जरूर उनके मन में रहेगा, और वो एक तरह का एक स्ट्रेंथ आई होगी, मेंटल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, तो वो आने से आगे मैं तो कहूंगा कि परीक्षा जैसी उनके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी अब जो व्यक्ति, क्योंकि वो इतने मुश्किल, जैसे मुश्किल चीज को जब आप जैसे बड़ा पहाड़ पार कर लेते हैं, तो छोटे पहाड़ आपको बहुत छोटे छोटे लगते हैं, तो मैं कहूंगा अब जो आएंगे पहाड़ वो छोटे छोटे हैं, क्योंकि आप बड़ा पहाड़ तो ऑलरेडी आप पार कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने कॉन्फिडेंस, अपने एक उम्मीद, एक सेल्फ एस्टीम और उस सब को, सेल्फ बिलीफ, उसको कायम रखना है। और आप जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं बेगूसराय से। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसको पार कर सकते हैं। हाँ हेलो मैम, मैं विकास बोल रहा हूँ बेगूसराय बिहार से। जी विकास पूछिए। मेरा सवाल है कि मैम इस बार ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ, और इस बार मैम मेरा गोल था IIT JEE मेंस का एग्जाम देना है, उसमें अपियर करना और इसमें निकालना, तो इस बार मैम कुछ नहीं पढ़ नहीं पाया, यहाँ से पता नहीं चल रहा है आगे क्या करूँ, बोर्ड एग्जाम के बाद कैसे तैयारी करूँ, इसके लिए सर से कुछ चाहता हूँ।
पांडे सर, अगर आप इस बच्चे का थोड़ा और हौसला थोड़ा बढ़ाएं। हाँ, इनका बिल्कुल, इनके हौसला को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। इनको मैं बताना चाहता हूँ कि नीट की जो परीक्षाएं होंगी या शायद कोई और परीक्षा ये देना चाहते होंगे, उसके लिए भी तैयारी का इन्हें समय मिलेगा। उसके लिए जो सिलेबस होगा, जो सीबीएसई की जो इनके रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसी के समानांतर होगा। और अभी बोर्ड की परीक्षाओं का जो इनका अभ्यास होगा, उसी से उनको अगली परीक्षा में भी बहुत मदद मिलेगी। अब इनकी ऑनलाइन परीक्षा कैसे हुई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस स्तर की भी वो पढ़ाई हुई हो, उसी स्तर को आधार मानकर अगले 3 या 4 महीने में एक बड़े पॉइज्ड माइंड से, एक बड़े संतुलित माइंड से केवल परीक्षा की तरफ फोकस करें। इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अपने अध्यापकों से ये तुरंत संपर्क करें और विद्यालय में जैसे ही ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जाना प्रारंभ करेंगे, इनके मन से ये जो थोड़ा बहुत भय परीक्षा को लेकर है वो समाप्त हो जाएगा। जी डॉक्टर पांडे जी, बच्चों में जी, एक ये भी डर है कि एक इतने लंबे समय के बाद वो स्कूल जाएंगे, सीधे प्रैक्टिकल्स देंगे, उसके बाद बोर्ड्स देंगे, तो एक वो जो आदत होती है रोज स्कूल जाने की, रोज पढ़ने की, उसमें कई परीक्षाओं में बैठने की, हालांकि ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं बच्चों ने दी है, हम ये माने कि बच्चे बड़े ईमानदारी से दे रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो क्लास का जो माहौल होता है वो शायद ऑनलाइन क्लास में घर का माहौल नहीं मिल पाता है बच्चों को। बिल्कुल, ऐसे में आप लोग किस तरह से बच्चों से, टीचर्स आपके किस तरह से वो संवाद कर रहे हैं कि वो उनमें कॉन्फिडेंस वो कायम हो? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और ये बड़ा ही, मतलब यही इस समय का तकाजा है कि विद्यार्थी जब अपने अपने टीचर्स से बात करते हैं ना, उसके अलावा दुनिया में उन्हें किसी काउंसलर की आवश्यकता नहीं है, किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई और दूसरा विश्वास दिला सकता है। तो जो अपने वो अध्यापक से बात करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, और अध्यापक ही अपने बच्चों के बारे में जो जानकारी रखता है, वही जानकारी सबसे अधिक सुदृढ़ होती है, वही जानकारी ठीक होती है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अब अध्यापक और बच्चे एक दूसरे से मिलना ज्यादा कर लें, बातें करना, संवाद करना, और समस्याओं को धीरे धीरे करके समाप्त करने का अगर प्रयास करेंगे तो इन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी पांडे जी, क्या आप इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि हमने देखा कि टीचर्स और बच्चों का एक अलग बॉन्डिंग होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इस बॉन्डिंग में भी कहीं जरूर कुछ एक तरह से खिंचाव भी रहा है, कोई एक दूरी महसूस की जाने लगी थी, क्या आपको लगता है इस एक साल ने, इस 10-11 महीने ने हर तमाम उन रिश्तों को एक अपनी पहचान ढूंढने में एक नया बॉन्डिंग, एक नई ताकत दी है, वो बच्चे और टीचरों के बीच की भी उस, मतलब उस संबंध को और मजबूत किया है, एक दूसरे को एहसास कराया एक दूसरे की जिम्मेदारियों का भी? जी हाँ बिल्कुल, मेरा तो मानना यह है कि ये पिछले 10 महीनों का जो अनुभव है, इसमें जितने भी अध्यापक वर्ग के लोग हैं उनकी क्या महत्ता है, ये विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। देखिए, अभी डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, शायद वो सहमत हो हमारी बात से कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो एक तो चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, और तीसरा एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमारा एक तरह से उसके लिए जो हमारी तैयारी थी, वो हम और दो क्षेत्रों की बनस्पत बहुत अच्छी हुई, और सारे अध्यापक अपनी अपनी सामर्थ्य के बेसिस पे जो भी उनकी तैयारी थी, ऑनलाइन हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, व्हाट्सएप हो, फोन हो, SMS हो, और सारे के सारे अध्यापक बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया उन्होंने, और ये योगदान आपको अगले 1-2 वर्षों में उसकी एनालिसिस होगी, जब उसकी चर्चा होगी, अभी भी हो रही है, तब आप समझेंगे कि कितना बड़ा योगदान अध्यापकों ने किया है। और आपने बॉन्डिंग की बात की, ये बॉन्डिंग, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यापकों ने भी बहुत कुछ बच्चों से सीखा ऑनलाइन की पढ़ाई के बारे में, और ऑनलाइन पढ़ाई के जो जो तकनीक है उसको लेकर के अध्यापकों ने तो बच्चों से ही सीखा कि कैसे उसे म्यूट करना है, कैसे अनम्यूट करना है, कैसे स्क्रीन ऑफ करना है,
कैसे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना है, कैसे ब्रेकआउट रूम का इस्तेमाल करना है, ये अध्यापकों को नहीं पता था, एक बहुत बड़े वर्ग को नहीं पता था, लेकिन बच्चे तो इसमें निपुण थे और उन्होंने अपनी निपुणता अध्यापकों के प्रति उन्होंने सम्मान के साथ साथ एक ऐसे व्यवहार को दर्शाया है जिससे कि ये बॉन्डिंग आने वाले कई वर्षों के लिए बहुत सुदृढ़ हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पांडे जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, एक पेरेंट हैं, वो अपने बच्चे के सिलसिले में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी आप पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, सवाल ये है मैम, जैसे बच्चा ब्लाइंड है तो CBSE ने किस तरह से एग्जाम प्लान किया हुआ, क्या स्पेशल फैसिलिटी दे रखी है ब्लाइंड बच्चों के लिए? जी पांडे जी आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी, इन्हें बताएं कि ये अपने बच्चे के विद्यालय के प्रधानाचार्य से तुरंत मिलें। CBSE एक ऐसा बोर्ड है कि जो इस तरह की विषम परिस्थितियों में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत विशेष व्यवस्था की हुई है, उन्होंने उनको एक राइटर मिलता है, उन्हें अधिक समय मिलता है, उन्हें परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग ढंग से मिलते हैं और उन्हें परीक्षा की को इतना आसान बनाया गया है कि इन्हें बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। इनकी बातों से लग रहा है कि शायद इन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है कि अपने प्रधानाचार्य से ये तुरंत मिलें और अवश्य मिलें। जी तो आप अपने बच्चे के स्कूल जाएं, उनके प्रिंसिपल से जरूर बात करें इस सिलसिले में। जी हाँ, डॉक्टर राजेश हम बात कर रहे थे अभी काउंसलिंग की भी, क्या आपको लगता है कि इस समय बच्चों के लिए ये वक्त बेहद अहम है और जो सिलसिला एक तरह से टीचर्स ने शुरू करा काउंसलिंग का, और आपका अनुभव पिछले 10-11 महीने में खासकर उन बच्चों के साथ जिनकी काउंसलिंग आप लोग करते रहे हैं लंबे समय तक, वो किन किन एक तरह से बदलावों से गुजरे हैं इस दौर में? नहीं देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये हम बताना चाहेंगे इस के माध्यम से कि कोई भी बच्चा है या जिसको थोड़ी परेशानी है या थोड़े मुश्किल में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो शेयर करे, उसको उसको बहुत ज़रूरी है कि जो भी अगर कोई भी दिक्कत से गुजर रहा है तो उसको बताएं, चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं या अपने भाई बहन हैं या अपने टीचर हैं, क्योंकि ये बहुत जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि स्कूल बंद थे इतने दिनों से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से एक्चुअली में एक तरह का कनेक्टेड थे वो अपने स्कूल से, अपने टीचर से, या तो वो माहौल एक बना हुआ था, हालांकि फिजिकल क्लासेस नहीं थी, तो कहने का मतलब वो एक प्रकार से वो उनसे जुड़े हुए थे। तो पहली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम बताना चाहेंगे कि अपनी कोई भी चीज़ को शेयर करें, उसको बताएं, और मैं ये भी कहूँगा कि जो भी व्यक्ति जो बच्चों के साथ जुड़े होते हैं जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, तो वो भी प्रोएक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चे के साथ। वेट ना करें कि बच्चा कब कहेगा, लेकिन जहां लगता है थोड़ी परेशानी में है तो उसको जरूर उसकी मदद करें। दूसरी बात जो जरूर बताएंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने अनुभव से हम कहना चाहेंगे, हालांकि इस वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति परेशान होता है तो हम क्या करते हैं, उसे करीब जाते हैं, उसको सहालते हैं, उसको लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग में वो चीज कर नहीं पाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कनेक्टेड रहें। अगर कोई भी बच्चा कोई भी अभिभावक जो है अगर परेशान है तो वो कनेक्टेड रहे किसी भी माध्यम से, चाहे वो फोन से या किसी भी चीज से, तो वो जितना वो कनेक्टेड रहेगा उतना उसको परेशानी कम होगी। और तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो रूटीन है जो उनका बना हुआ है उसको बना के रखें और उसमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और वो सब भी चीजें शामिल करें, जोड़कर तो ये सब चीजें करते रहेंगे, ये भी एक काउंसलिंग का ही पार्ट है। और ये जितना आप करेंगे और अगर परेशानी है तो जरूर उसको बताएं और उसको अपने आसपास आपके हेल्प मौजूद है और आप उस चीज से आप पार पा सकते हैं और उस चीज से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जरूर संवाद करें, जरूर बात करें, उनसे जानना चाहें कि वो खामोश क्यों है। पांडे जी आपसे अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी, आज स्वदेशी निर्मित 2 वैक्सीन को मंजूर दी गई है, बच्चों में भी इस पूरी खबर को लेकर उत्साह होगा आत्मनिर्भर भारत को लेकर? जी बिल्कुल, आप देखिए ये आप सारी समस्याओं के बावजूद भी बच्चों की अंदर जो ऊर्जा है, उत्साह है, देश के प्रति प्रेम है, आत्मनिर्भरता का भाव है,
और ये जो यंग जनरेशन है ये तो वैसे ही सेल्फ रिलायंट जनरेशन के नाम से हम इसे कहते हैं। तो आप इसमें आप देखिए दुनिया में इतने कॉम्पिटिशन थे और इस कॉम्पिटिशन से भारत उभर कर आया है इस वैक्सीन को लेके, तो मैं तो समझता हूँ कि ये खबर ही बच्चों के उत्साह को बढ़ाने में और उनके मनोवैज्ञानिक उनकी जो दृष्टि है उसे ऊपर उठाने में बहुत मदद करेगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। दो वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और इस खबर ये खबर खासकर अगर बच्चों की हम बात करें, क्योंकि ये बच्चों पर केंद्रित ये कार्यक्रम है, तो बच्चों के लिए उनकी सोच, उन्हें उनका मनोवैज्ञानिक जो पूरा बदलाव जो एक पिछले 10-11 महीने से हो रहा है उसको एक बेहतर तरीके से रखेगा, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों के लिए हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। किड्स टाइम में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।